तो भगवद गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग, है ना। तो इसमें हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि अष्टांग योग क्या है, यानी अष्टांग योग में जो योग के आठ अंग हैं, अष्ट अंग यानी आठ अंग, ठीक है। तो कौन सा योग है आठ अंगों वाला और उसका उद्देश्य क्या है, तो हम ये भी समझेंगे। और अंत में हम ये भी जानेंगे कि अभी तक भगवान ने जितने भी योग बताए हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ योग क्या है और आखिर चरम योग कौन सा है, ठीक है। आखिर हमारा लक्ष्य क्या है सारे योगों का, तो वो आज हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा पिछले अध्याय का एक बार रिवीजन करता हूँ। तो पिछले अध्याय का मैं लास्ट श्लोक बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें हमने बताया था, एक श्लोक था जो लास्ट वाला है ना, उसको हमने बताया था शांति सूत्र है। तो उसमें तीन चीजें भगवान ने बताई थी। तो पहला था भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। तो भगवान ने कहा सारे जितने भी यज्ञ तपस्या है सबका भोक्ता मैं ही हूँ, है ना। तो पहला पॉइंट ये था। तो और दूसरा पॉइंट क्या था, सर्वलोक महेश्वरम, यानी भगवान सारे लोकों के ईश्वर भगवान ही, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, सुहृदम सर्वभूतानां, यानी भगवान सभी जीवों के परम हितैषी, है ना। तो ये तीन जो बातें थी, इन्हें हमने क्या बोला था, शांति सूत्र। तो एक एक करके हम इन पे थोड़ा और गहन विचार करते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान ने बोला कि मैं ही परम भोक्ता हूँ ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें जो भी कार्य करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता, अगर हम अपने लिए करते हैं तो क्या होता है, यही संसार से जाप होगा, तो उससे क्या होता है, दुख योना एवते, उससे दुख आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे भगवान क्यों बोल रहे, तो इसका एक उदाहरण भी है। जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग अंग है ना। तो हाथ है, पैर है और मुंह है ना, और नाक है, कान है, सब है। तो अगर हर अंग ऐसा बोले, तो एक बार होता है, एक ऐसी छोटी सी स्टोरी है ना। तो उसमें हाथ हाथ बोलता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, और खाना कहाँ जाता है, पेट पेट ले जाता है, ठीक है। और ऐसी मुंह भी बोलता है कि मैं खाने को इतना ज्यादा चबाता हूँ, और लास्ट में पेट ले जाता है ना। तो सारे अंग हड़ताल पे चले जाते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि सारा सारा खाना तो पेट ले लेता है, ठीक है, हम काम नहीं करेंगे। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सारे अंग कमजोर पड़ जाने लगते हैं, है ना, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि खाना नहीं मिलता पेट को। तो हमें ये समझना होगा कि जब पेट को खाना मिलता है तो सारे अंगों की तृप्ति हो जाती है ना, क्योंकि सारे अंग पेट के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं और भगवान जब तृप्त हो जाते हैं, भगवान जब खुश हो जाते हैं, तो क्या होता है, सब जीव अपने आप ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने बोला है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ठीक है। और दूसरा जो सर्वलोक वाला महेश्वरम वाला भगवान ने बोला है, तो हमें कभी भी किसी भी चीज पे अपनी स्वामित्व की भावना नहीं जतानी, ठीक है, कि हम ही इसके मालिक है ना। तो जैसे कि हम बलि महाराज थे ना, बलि महाराज के हमने उदाहरण देखा कि बलि महाराज ने पूरे स्वर्ग तक कब्जा कर लिया था ना, देवता को भी भगा दिया था उन्होंने। तो जब भगवान आए वामन देव अवतार में, तो भगवान ने क्या किया, सारा सारा कुछ छीन लिया उनसे, है ना, 2 ही कदम में। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के ईश्वर भगवान ही है, ठीक है। तो ब्रह्म संहिता में भी आता है, एको अप्यसो रचितुम जगदंड कोटिम, वो एक है लेकिन उसने करोड़ों ब्रह्मांड की रचना की है, तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है। और तीसरा चीज, भगवान ने क्या बोला था कि सबका हितैषी मैं ही हूँ। तो हमें लगता है कि ये हमारा हितैषी है, वो हमारा हितैषी है, लेकिन ये सब टेम्पररी रिश्ते जो होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए ज्यादा इनसे, है ना। तो हमें सबको जीवात्मा के अंश रूप में देख के उन पर दया करनी चाहिए। और भगवान बोलते हैं कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति ना प्रिया, यानी सब मेरे लिए बराबर है, मैं किसी से द्वेष नहीं करता। तो इसीलिए नास्तिक लोग भी खुश रहते हैं कभी कभी लाइफ में, क्यों, क्योंकि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। लेकिन भगवान बोलते हैं ये वजंती तुम आम भक्त्या मई ते तेषु चाप्यहम, यानी जो मेरी भक्ति करता है उस पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हमें देखना है, भगवान सब सब भगवान के लिए सब बराबर है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उस पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं। तो ये उन जो तीन लाइन थी, है ना, तीन जो शांति सूत्र थे उनका ये अर्थ था, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी होगी। अब हम आते हैं इस अध्याय पे, ध्यान योग पे। तो इसमें देखते हैं क्या बताते हैं भगवान। ओके, तो उससे पहले हम समझते हैं योग क्या है ना। तो वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ योग का असली मतलब क्या है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद शायद ठंडी जगह पे जाके कुछ आसन करना ये योग है ना।
या फिर अपनी कुंडलियां जागृत करना, ये योग है। तो ऐसे भी है, कुछ लोगों को लगता है कि बैलेंस करना है ना अपने शरीर को, और कठिन 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 आसन करना, या फिर आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं फोटो में, तो इसने क्या किया है, अपने सिर को धसा दिया है जमीन के अंदर, है ना। तो कुछ लोग समझते हैं ये शायद योग है, और कुछ को लगता है कि अपनी बॉडी के शरीर के अंगों को मोड़ना, ये शायद योग है। इस तरह योग की अलग अलग धारणा है, बहुत सारे विदेश में भी है ना, हर जगह, ऑल अराउंड द ग्लोब, यानी पूरे विश्व में क्या हुआ है, योगा सेंटर खुले हैं ना, और हम देख सकते हो किस किस तरह से योग सिखा रहे हैं। तो मैंने बताया ना, कई लोगों को लगता है कि बैलेंस बनाना योग है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह अलग अलग तरीके से योगा सिखाया जा रहा है। तो किताबें भी आती है इसमें, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, योगा फॉर फिजिकल मेंटल हेल्थ, है ना, चीयर योगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या योगा है, ठीक है, और डेस्कटॉप योगा, ऑफिस योगा, पता नहीं कैसे कैसे योगा लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान बताएंगे योगी क्या है और योग क्या है, योग का मतलब क्या है और योगी क्या है, असली योगी कौन है। तो वैसे भगवान शुरू में हिंट देते हैं, लेकिन लास्ट में भगवान क्लियर कर देंगे इस बात को। तो देखते हैं पहले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, योगी की परिभाषा क्या है। श्री भगवान उवाच, अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च नानिरग्नि चाक्रियः। तो श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो भगवान ने यहाँ पे असली योगी की डेफिनेशन यानी परिभाषा बिल्कुल साफ साफ कर दी है, क्या, जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है ना। जो किसके लिए कर्म करता है, भगवान के लिए, ठीक है, अपने लिए कर्म नहीं करेगा वो, है ना। उसके कार्य किसके लिए होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो मैंने इसीलिए आपको पहला पिछले अध्याय का एक श्लोक बताया था, लास्ट वाला, है ना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, उसमें भी भगवान यही बोलते हैं कि अगर व्यक्ति ये बात जान ले कि सभी यज्ञ तपस्या का भोक्ता नहीं हो, तो वो शांति मृगच्छति, यानी उसे शांति प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें भी भगवान यही बताते हैं, असली योगी वो है जो अपने कर्म फल से अनासक्त है। असली योगी वो नहीं है जो सब कुछ छोड़ के त्याग के चले जाते हैं, ठीक है। तो असली सन्यासी भी वही है, असली योगी भी वही है, जो मेरे लिए काम करता है। तो एक तरह से उसने सब काम त्यागी कर दिया अपने लिए ना। तो सन्यास का मतलब वही है, सत्यन्यास, यानी सत्य सत्य की तरफ जाना, ठीक है। सत्य कौन है, भगवान है ना। सन्यास का असली मतलब ये है, भगवान इसमें बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान ने डायरेक्ट डायरेक्ट भक्ति का नाम नहीं लिया है ना। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो कर्म फल अनासक्त होकर कार्य करता है, यानी एक तरह से भक्ति हुआ ना, क्योंकि भक्त किसके लिए कार्य करता है, भगवान के लिए। लेकिन भगवान लास्ट के श्लोक में, इस अध्याय के लास्ट के श्लोक में बिल्कुल साफ साफ करने वाले, ठीक है, साफ बोल देंगे बिल्कुल ही। तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं लास्ट में। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो लोग अनासक्त होकर कार्य करते थे, ठीक है। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, तो युधिष्ठिर महाराज किसके लिए कार्य करते थे, वो भी भगवान की प्रशंसा के लिए कार्य करते थे। तो ऐसे लोगों को राज ऋषि बोला जाता था। और ऐसे ही बहुत सारे राजा का उदाहरण आते हैं, अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है भागवत में, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, तो इन्होंने अपने कर्मों का त्याग नहीं किया, जैसे कि अर्जुन है ना। तो अर्जुन ने भी अपने कर्तव्यों का त्याग नहीं किया, उसने क्या किया, भगवान के लिए कार्य किया, भगवान ने उसको बोला युद्ध करो, ठीक है, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो इस तरह हम देख सकते हैं असली योगी और सन्यासी वही है जो भगवान के लिए कार्य करते हैं। अब भगवान इस अध्याय में बताते हैं अष्टांग योग के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हम योगासन जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो योग का, अष्टांग योग का एक छोटा सा पार्ट है। तो आगे हम देखते हैं अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं मुख्य। तो जो 2 अंग है शुरू के, वो है यम और नियम। यम नियम क्या होते हैं, कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, डू डूज एंड डोंट्स, है ना, ऐसे होते हैं ना। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि कौन से नियम है जिनको फॉलो करना चाहिए योगा करते समय, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है जैसे, है ना, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है, बहुत सारे इसमें नियम आ जाते हैं अष्टांग योग। और क्या खाना है आपको, वो भी कितना खाना है कब खाना है, सब इसमें यम नियम में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आसन। तो आसन ये छोटा सा पार्ट है किसका, अष्टांग योग का, ठीक है। इसमें अलग अलग तरीके से क्या है, अलग अलग आसन है ना, तो आपने देखे होंगे ना। तो हम लोग जनरली इसी को योगा बोल देते हैं, आसन को ही, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है अष्टांग योग का, ठीक है। तो
इसमें अलग अलग पोस्चर आते हैं शरीर के यहाँ। तो उसके बाद आता है प्राणायाम, तो ये भी हमें पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सांसों पे, सांसों को हम कंट्रोल करते हैं, ब्रेथ कंट्रोल हम सीखते हैं, सांसों को कंट्रोल करना। तो ये दो ही चीजें हमें पता है, आसन और प्राणायाम। तो हम समझते हैं शायद यही योग है, लेकिन ये अष्टांग योग के एक पार्ट है, ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। तो इसके बाद अलग अलग लेवल लेवल आते हैं अष्टांग योग के। उसके बाद जैसे प्रत्याहार आएगा और धारणा आएगा। तो प्रत्याहार में क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को वश में करने का बहुत प्रयास करते हैं, ठीक। और इसमें जब प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद धारणा आती है। धारणा में हमारा ध्यान हमारा स्थिर हो जाता है, और उसके बाद हम ध्यान की अवस्था में जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में समाधि। तो हम देखेंगे इनका मतलब क्या है, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसमें भगवान ने समझाया 6ठे अध्याय में एक एक करके। ओके, तो आप देखना लास्ट में कि क्या आपके लिए योग जो पद्धति है, क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं, है ना। तो आप देखना लास्ट में। तो यम में भगवान क्या बोलते हैं कि योगी को, यानी उसे एकांत, अष्टांग योगी जो है उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए, और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, है ना। और खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, यानी समान होना चाहिए उसको, ठीक है, इन कार्यों में। तो हमने देखा पहले, तो इसमें और भी श्लोक है, तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो अष्टांग योगी है उसको एकांत और पवित्र जगह में जाना चाहिए। तो कलयुग में क्या है, कलयुग में जो एक जो जगह एकांत है वो पवित्र नहीं है ना, और जो जगह पवित्र है वो एकांत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, पहला स्टेप भी बहुत मुश्किल है इसमें ना, एकांत जाओ और पवित्र स्थान में जाओ, ठीक है। और जो लोग गांव में रहते हैं, चलो वो तो जा भी सकते हैं ना, लेकिन जो लोग शहर में रह रहे हैं उनका क्या, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, चलो उनके लिए भी मान लिया, किसी तरह कर लेते हैं, एकांत जगह चले जाते हैं, लेकिन उनका क्या, जो घर में जो माता जी लोग हैं, घर में जो बच्चे लोग हैं, उनका क्या होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप भी बहुत कठिन है इसमें अष्टांग योग में। उसके बाद खाने, सोने, कार्य करने, सब चीजों में डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। टाइम से उठना, टाइम से खाना, कितना खाना है वो सब फिक्स रहेगा, और कार्य अगर कोई करना है तो उसका भी एक टाइम होगा, लिमिटेड होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा यम और नियम आ जाते हैं पहले ही, और इसमें और भी चीजें बताई गई है, जैसे कि ब्रह्मचर्य वगैरह का पालन करना। तो हम देख सकते हैं किस तरह यम नियम जो प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन बहुत लोग योगा तो करते हैं ना, आजकल योगा तो कर रहे हैं, लेकिन यम और नियम का पालन ही नहीं करते हैं, तो बस नाम का योगा कर रहे हैं, ठीक है। उनके योग का उनके लिए योग का मतलब क्या है, उनके लिए योग का मतलब है शरीर पे सुंदरता लाना, है ना, या फिर अपना वजन कम करना, है ना, उनका एम यही है योगा का। इसीलिए क्या करते हो, इन नियमों का पालन नहीं करते। तो हम देखेंगे असली में योग का मतलब, इस अष्टांग योग का, इस असली में इस अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है, और वो किस तरह पूरा हो सकता है, तो ये हम जानेंगे। अष्टांग योग का उद्देश्य शरीर पे चमक लाना, या फिर चेहरे पे चमक लाना, या फिर वजन कम करना नहीं है, ठीक है। तो ये यम नियम का पालन करना होता है सबसे पहले। उसके बाद आसन, आसन कहना कैसा होना चाहिए योगी का, तो इसमें बताते हैं भगवान, जमीन पे कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करें। अब आप बोलोगे भगवान ने बोला हिरण का खाल, तो यानी हिरण को मारना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर कोई मरा हुआ हिरण रहता था पुराने जमाने में, तो उसकी खाल का कवर बनाते थे, ठीक है, उसकी खाल के ऊपर बैठ रहे थे। आपने देखा होगा ना, शिव जी की फोटो में भी आपने देखा होगा, बाघ की खाल रहती है, उस पर बैठे रहते। तो इस तरह पुराने जमाने में हिरण की जो खाल थी उस पर बैठते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हिरण को मार के, जो पहले से ही मरा हुआ है उसको, ठीक है। तो ये योगी का आसन है। उसके बाद आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए। तो अगर ज्यादा ऊंचा होगा तो क्या होगा, योगी को थोड़ा तकलीफ होगी, है ना, बैठने में और नीचे उतरने में। और बिल्कुल ही अगर नीचे होगा आसन, तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे उस पे, है ना, तो बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है आसन अगर सही ना हो। उसके बाद क्या बोला, पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए, तो आसन पवित्र स्थान पे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पवित्र स्थान ढूंढना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना है ना, बिल्कुल सीधा रखना है शरीर, गर्दन, है ना, सब चीज, सिर को एक सीधी लाइन में होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद नाक की नोक पर लगातार घूरना है, ऐसे नाक पर ध्यान लगाना है, ठीक है, नाक की नोक पर। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त, है ना, तो किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाने, ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान
किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बोला, योगी को किसका ध्यान करना चाहिए, भगवान का। ठीक है, तो ये लोग मिस कर देते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, बस बोलते हैं कि ध्यान लगाओ, किस पे लगाना है पता नहीं है, ठीक है बस ध्यान लगाओ। तो इसमें भगवान बोले योगी को किसका ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। ठीक, तो कई लोग होते हैं लाइट पे ध्यान लगाते हैं ना, एक मोमबत्ती जला लेते हैं और अलग अलग तरीके से। कई लोग तो कुछ कुछ भी ध्यान नहीं लगाते, वो बोलते हैं निराकार पे ध्यान लगाओ। ठीक है, तो इसमें भगवान ऐसा नहीं बोले, भगवान बोले जो योग का प्रोसेस है उसमें किसका ध्यान लगाते हैं, भगवान का ध्यान लगाते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आगे के स्टेप क्या है, आगे फिर प्राणायाम। इसमें क्या करते हैं, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस यानी आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो आपको इसमें अपनी जो है सांसों पे ध्यान देना है, सांसों को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल मतलब शुरू शुरू में आपकी सांसें तेज चलेंगी, फिर धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, ठीक है, इनकी गति। और क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी शरीर के अंदर, है ना। तो जब हम सांस जब हम ध्यान देते हैं तो सांसों का भी डिस्टर्बेंस होता है ना एक, तो उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक जो पहुंच सकता है, आगे देखते हैं आगे क्या है फिर। उसके बाद प्रत्याहार में भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो इसमें क्या है, कोई राजा है तो भौतिक अस्तित्व समाप्त, ठीक है, उसको ये नहीं अब राजा नहीं है ना, उसको ये नहीं सोचना मैं राजा हूँ। ठीक है, कोई स्टूडेंट है तो अब ये नहीं सोचना उसको मैं स्टूडेंट हूँ, है ना, सब भौतिक अस्तित्व समाप्त। ठीक है, कुछ नहीं। उसके बाद धारणा में क्या है, धारणा में उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा में अब क्या होता है कि अब उसकी प्रैक्टिस है ना यहाँ तक पूरी हो चुकी होती है, तो अब किसके लिए परफेक्ट हो जाता हो, ध्यान लगाने के लिए, अगले स्टेप के लिए रेडी हो जाता हो। तो ध्यान में अब क्या होता है, ध्यान की अवस्था में जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थित रहता है। तो ध्यान की अवस्था में अभी तक वो प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, तो ध्यान की अवस्था में विचलित नहीं होता है ना, ये प्रोसेस लगातार चलता है, ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और लास्ट स्टेज जो आती है इसका, वो आती है समाधि। तो समाधि में क्या होता है, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। अब समाधि में क्या हो रहा है, पहले तो ध्यान तक वो पहुंच गया ना, अब डिस्टर्ब नहीं हो रहा किसी भी चीज। और समाधि में क्या होता है, अगर कोई बड़ी भी चीज आ गई, मान लो आंधी आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, आग लग गई चारों तरफ, तभी भी उसको कठिनाई नहीं होती कोई, है ना। तो वास्तव में क्योंकि भगवान को देख पाता हो अपने हृदय में, उसके भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान बताते हैं 30वें श्लोक में क्या, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति तस्य अहम् न प्रणश्यामि सच मही न प्रणश्यति। तो यानी योगी जो होता है, जो अष्टांग योगी होता है, वो भगवान को सब जगह देख पाता है। ठीक है, सब चीज में भगवान को देख पाता है क्योंकि उसके हृदय में अब भगवान परमात्मा रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, वो उनके बीच संबंध बना पाता है, ठीक है, उनसे गाइडेंस ले पाता है और इस तरह वो सब जगह परमात्मा को देख पाता है ना। तो भगवान बोलते हैं तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए मैं उसके उसके लिए ऐसा नहीं होता कि कभी मैं नहीं हूं और मेरे लिए ऐसा नहीं होगा कि कभी वो ना है। ठीक है, तो दोनों के बीच संबंध बन जाता है। ठीक है, तो जो अष्टांग योगी वो भगवान को किस रूप में जानते हैं, परमात्मा रूप में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना शुरू में भगवान को जानने के तीन तरीके हैं। ठीक है, तो क्या था, ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दे थे, तो ऐसा भागवतम में आता है। तो पहला है ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में जानते हैं, जो अष्टांग योगी होते हैं वो परमात्मा के रूप में जानते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भक्त भक्त भगवान को साक्षात देख पाते हैं, ठीक है, उनके असली रूप में, उनके आदि रूप में। तो ये हमें सीखना है इससे। तो अब क्या हुआ, भगवान ने इतनी चीजें बता दी, तो आगे क्या होता है फिर। तो पहले तो मैं आपको बता दूं जो अष्टांग योग का प्रोसेस है, अभी तो बताने में इतना आसान लगता है, वैसे तो बताने में भी इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा एम होता है यानी भगवान से संबंध बनाना, ठीक है, भगवान समाधि की अवस्था में क्या होता है, हम भगवान से जुड़ पाते हैं, लेकिन वहां तक बहुत सारे योगी लोग पहुंचते नहीं है। तो अष्टांग योग से क्या होता है, आपके अंदर कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। ठीक है, तो जो अष्टांग योगी होते हैं वो सिद्धियों से अपनी इतनी आकर्षित हो जाते हैं कि वो अपना असली एम क्या है वही भूल जाते हैं, अपना हम किस लिए बैठे थे, किस लिए हमने स्टार्ट किया था सब कुछ वो भूल जाते हैं। ठीक है, और सिद्धि प्राप्त होने पे वो सिद्धियां दिखाने लगते हैं, ठीक है, उनसे आकर्षित हो जाते हैं, तो इस तरह वो अपने एम से भटक जाते हैं और भगवान तक पहुंचना इसलिए उनके लिए मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि उनको सिद्धियां मिल जाती है बीच में, उससे वो आकर्षित हो जाता है।
ये था अष्टांग योग। तो आगे भगवान भगवान की इतनी सारी बातें सुन के अर्जुन क्या बोलता है, ठीक है। अब अर्जुन तो एक ग्रस्त है ना, फैमिली वाला है, ठीक है। तो उसके लिए ये जो अष्टांग योग की विधि है बिल्कुल भी संभव नहीं अर्जुन के लिए, है ना, क्षत्रिय है, ठीक है। तो अगर वो ये भूल जाएगा कि मैं राजा हूं तो अपना कार्य कैसे करेगा। तो हमने बताया था ना, धारणा प्रत्याहार में क्या होता है, हमें भूलना पड़ता है सब चीज, है ना, कि मैं राजा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, सब चीज भूलनी पड़ती है। तो अगर अर्जुन ये भूल जाएगा कि मैं राजा हूँ तो अपना कर्तव्य कैसे करेगा फिर, है ना। तो अर्जुन क्या बोलता है भगवान की ये बात सुन के अष्टांग योग की, अर्जुन बोलता है चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलवत दृढ़म तस्या हम निग्रह हम मन्ये वायुर्एव सु दुष्करम। तो अर्जुन ने जो बात बोली है वो हमें समझ नहीं है, वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, हमारे लिए भी लागू हो रही है। तो अर्जुन क्या बोला, हे कृष्ण चूंकि मन चंचल, तो यहाँ पे अर्जुन ने चार क्वालिटी बताई है मन की, तो देखते हैं कौन सी है। पहला, मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो जैसे वायु है ना, आप ये हाथ है, ठीक है, तो आप मुट्ठी में अगर वायु को कैद करोगे तो नहीं होगी, है ना, इधर उधर से निकल जाएगी। तो अर्जुन बोल रहा है मन को वश में करना इससे भी कठिन है, और इसके चार गुण बताए अर्जुन ने, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले उसने बताया मन चंचल है, ठीक। तो मन चंचल है ना, अभी यहाँ पे इंडिया के बारे में सोच रहा है, अगले ही सेकंड ये अमेरिका में होगा, अगले ही सेकंड यहाँ पे होगा। तो इस तरह मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, ठीक है, कहीं भी पहुंच सकता है एक सेकंड। उच्छृंखल है ना, इसके अंदर वो प्रवृत्ति हमेशा बनी है। तो आप ये सोचो कि मन चंचल है, किसी तरह मैं इसको शांत कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर ये प्रवृत्ति है अभी भी। उसके बाद ये हठीला है, बहुत ही जिद्दी है, यानी जो चीज इसने ठान ली तो बस ठान ली, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते फिर। उसके बाद अगर आप सोचोगे ठीक है किसी तरह मैं इसको बस में कर भी लूंगा, लेकिन उसकी जो अगली क्वालिटी है उसकी वजह से आप उसे बस में नहीं कर पाओगे, वो क्या है, अत्यंत बलवान है। तो बहुत ही ज्यादा बलवान है, आप कितना भी कोशिश कर लो क्या कर देगा, आपके वश में नहीं आएगा, क्योंकि बलवान भी है ना साथ। तो इस तरह अर्जुन चार चीजें मन के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये जो चार चीजें भगवान अर्जुन ने बोली है ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है। कैसे, हम अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या ये बात सच है कि नहीं, क्या भगवद गीता की बातें सच है या फिर अर्जुन ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो ठीक है, तो आप क्या करिए, आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, और आपको आप आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, और आपको एक हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। आप किसी भी जानवर के बारे में सोच सकते हैं, हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, है ना। तो आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, ठीक है, 4 सेकंड के लिए, और हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। 4, 3, 2 और 1, है ना, ठीक है। अब हमने ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, तो देखते हैं जिन लोगों ने किया होगा उनको पता होगा। तो मैं एक पोल लॉन्च करूंगा, ठीक है, तो देखते हैं तो कितने लोगों के दिमाग में हाथी के बारे में आया, आप बता सकते हैं क्या आपने हाथी के बारे में सोचा। ओके, तो अब मैं एंड करता हूँ इसको, पोल को, आप पार्टिसिपेट करिए इसमें, ठीक है। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि जो 75% लोग हैं ना, 75% जो लोग हैं उन्होंने हाथी के बारे में सोचा। तो जो हमारा मन है इसको जो आप नहीं बोलोगे तो ये वही कार्य करेगा। तो जैसे कि अगर हम अष्टांग योग अपनाते हैं तो इसमें हमें कुछ चीज नहीं करनी होती है ना, तो हमारे दिमाग में यही चलता है कि ये चीजें हमें नहीं करनी, ये चीज नहीं सोचनी, और लास्ट में क्या होता है उसी के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अर्जुन ने जो बात बोली है कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि अर्जुन की बातें बिल्कुल सच है। और उस टाइम तो कोई ऐसा भी नहीं था, उस टाइम व्हाट्सएप था या फेसबुक था, है ना, या यूट्यूब था, और उस टाइम टीवी भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, मीडिया भी नहीं था। तो उस टाइम अर्जुन ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो आज तो हम समझ सकते हैं कि यानी आज आज हमारी क्या हालत होगी जब उस टाइम अर्जुन ये बात बोल रहा है, तो आज तो बहुत ही कठिन है मन को वश में करना। तो आगे हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन, इसका इसका भगवान ने क्या उत्तर दिया। तो अब भगवान बताएंगे आगे, अशंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य गृह्यते। तो
भगवान ने बोला, असंशय महाभाव क्यों नहीं, भगवान ने, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है ना। तो भगवान ये नहीं बोल रहे अर्जुन तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान बोले हाँ असंशय महाभाव, क्यों नहीं अर्जुन, जो तुमने बोला बिल्कुल सच है। ठीक है, तो पहला भगवान भी एग्री कर रहे हैं कि है ना कि मन को वश में करना बहुत कठिन। ठीक है, लेकिन भगवान आगे सॉल्यूशन इसका देते हैं दो, क्या पहला देते हैं, उपयुक्त अभ्यास द्वारा और फिर विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान बोलते हैं अभ्यास है ने तो कौन थे, वैराग्य से गृह, तो अभ्यास और वैराग्य। तो भगवान ने बोला अगर तुम प्रैक्टिस करोगे लगातार लगातार इसकी प्रैक्टिस करोगे, और दूसरा विरक्ति है ना, प्रैक्टिस तो कर रहे हो लेकिन चीजों के बारे में सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो, प्रैक्टिस तो आप डेली कर रहे हो लेकिन फिर भी आप चीजों के बारे में सोच रहे हो करते करते, तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो दोनों चीजें जरूरी है, पहला अभ्यास और दूसरा विरक्ति। तो अभ्यास कैसे करना है ठीक है, और विरक्ति, विरक्ति मतलब क्या है, तो विरक्ति मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज छोड़ दो, विरक्ति मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो है ना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करो। ठीक है, वही हमने बताया ना संन्यास का असली मतलब क्या है, भगवान की तृप्ति के लिए कार्य करना, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है, तो सारे जगना यज्ञ तपस्या का भोक्ता अगर हम भगवान को माने, उनके लिए अगर हम कर्म करें तो वही विरक्ति है ना। भगवान ने खुद बोला है ना अभी हमने देखा पहले श्लोक में कि असली संन्यास और असली योग का मतलब क्या है, तो ये बात हमें समझनी है। तो आगे आगे ये इसमें एक श्लोक आता है, तो उसमें बताया कि हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु है, तो देखते हैं भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं। ओके, तो श्लोक आता है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्या येन आत्मनैव आत्मनः जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यानी जो हमारा मन है वही हमारा मित्र भी है और वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर इसको हमने कंट्रोल कर लिया तो ये हमारा मित्र बन जाता है, और अगर नहीं हुआ तो शत्रु। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ ना, जैसे कि भगवद गीता की क्लास होती है, अभी सुबह हो रही है ना, तो बहुत लोगों का सुबह मन करता है कि खैर यूट्यूब पे तो आ ही रहा है तो सुबह उठने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उठ नहीं पाते है ना, तो वो छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर ठीक है इसका भी आप एग्जाम्पल छोड़ो, तो जैसे किसी को एक्सरसाइज करनी है ठीक है सुबह उठ के, तो कई बार क्या होता है अलार्म लगाता है रात को ना, लेकिन सुबह क्या करता है, सुबह सोचता है कि चलो थोड़ा 15 मिनट बाद उठते हैं ना, फिर सोचेगा नहीं चलो थोड़ा 1 घंटा बाद उठते हैं, और ऐसा करके करते करते क्या होता है उसके प्लान सारे फेल हो जाते हैं। तो यानी उसने अपने मन को क्या बना लिया, अपना दुश्मन बना लिया है ना। तो उसका मन अगर वश में नहीं है तो दुश्मन हो गया उसका है ना, उसके अच्छे काम करने से रोक रहा है। लेकिन अगर किसी का मन अगर उसके वश में, कोई अगर उठ जाता है सुबह जल्दी है ना, तो क्या है उसका मन उसका मित्र बन जाएगा ना, उसी का फायदा होने वाला है। ठीक है, तो यही बात इसमें भगवान ने बताई है। तो ऐसे उदाहरण कैसे दिया गया, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया आग से। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो हम देखते हैं जो आग है ठीक है अग्नि, उसको अगर हम कंट्रोल करें तो वही अग्नि किसमें यूज हो जाती है, रॉकेट में है ना, और जो जहाज है उसमें यूज होती है ना, कंट्रोल वे में होती है। ठीक है, और जो सूरज है उसमें भी कंट्रोल में रहती है ना अग्नि, लेकिन अगर वही अग्नि कंट्रोल में ना रहे तो क्या करती है, पूरे जंगल को जितने भी जीव जंतु है सबको तबाह कर देती है। तो इसी तरह हमारा मन भी है, अगर ये कंट्रोल में रहेगा तो इसके इसको हम अच्छे सृजन के कार्यों में यूज कर सकते हैं ना, इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हमारे वश में नहीं है तो ये बर्बादी का हमारा कारण बन जाता है। ठीक है, तो भगवान ये बात इसमें बताते हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो ठीक है, यहाँ तक हम पहले समझते हैं अब तक जो भी था। तो ये जो अष्टांग योग की पद्धति है ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है कलयुग में ना, प्रैक्टिकल नहीं, हो सकता है किसी के लिए हो, 1% लोगों के लिए हो, लेकिन 99% लोगों के लिए नहीं है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो इससे इसे भगवान ने बताया ही क्यों, क्वेश्चन ही आता है। तो भगवान ने इसलिए बताया कि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, तो आगे भगवान बताने वाले हैं अल्टीमेटली योगा का मतलब क्या है और असली में योगी कौन है। ठीक है, भगवान ने इतने जो योग बताया अभी अष्टांग योग इसीलिए बताया ताकि हमारा समय बच जाए, हमें पता लग सके क्या नहीं करना, इसलिए भगवान ने सारे प्रोसेस बता दिया है ना, अभी हमारे ऊपर है। ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं, तो भगवान आगे वैसे क्लियर कर देंगे ये बात। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें सीखने लायक है, अष्टांग योग से हमें कुछ चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है,
तो जैसे अष्टांग योगी क्या करता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो उसका खाना पीना नियमित रूप से होता है, सोना नियमित रूप से होता है। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए। भक्त का भी क्या होता है, भक्त का भी खाना पीना नियमित होना चाहिए, ठीक है, और उसको भी टाइम से सोना टाइम से उठना, है ना, ये सब हमें अष्टांग योगी से सीखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अष्टांग योगी अपना मन भगवान में लगाने की कोशिश करता है हर टाइम, है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो एकांत बैठ के लगा रहा है। लेकिन जो भक्त होता है वो इससे क्या सीखता है कि हम कार्य करते हुए कैसे कैसे हम हर कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करें, ठीक है, भगवान के लिए कैसे कार्य करें। तो मन को लगाना ये हम किससे सीखते हैं, अष्टांग योगी से। तो हमें उससे ये चीज लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें उनकी विधि नहीं अपनानी, प्रोसेस नहीं अपनाना, हमें उनसे अच्छी चीज ले लेनी है। जैसे एक बच्चा होता है ना, तो बच्चा दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता रहता है इधर उधर, जब वो खेलता है ना बहुत फुर्ती से इधर उधर दौड़ता है, तो हमें उससे क्या सीखना चाहिए कि हमें भी ऐसी फुर्ती से कार्य करना है, ठीक है, भगवान की सेवा करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें बच्चा बन जाना है ना। तो इसी तरह जो अष्टांग योग का प्रोसेस भगवान ने बताया, इससे बहुत चीजें सीखने के लिए, है ना, तो हमें उनसे वो चीजें सीखनी है और उसे भक्ति में अप्लाई करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आंसर का जवाब लास्ट में दूंगा मैं, तो आप धैर्य बनाए रखिए। तो आगे अर्जुन ने क्या बोला, ओके, तो पहले मैं बता, ठीक है, आगे अर्जुन क्या बोलता है, तो अर्जुन बोलता है कि जो आपके आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए अर्जुन ने बोला, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन इस तरह बोलता है यहाँ पे, अयति श्रद्धयोपेतो तो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। तो बताते हैं उस योगी की गति क्या होती है जो आपकी भक्ति में तो लगा है ना, आपसे आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो भले ही वो अष्टांग योगी हो या भक्त हो, है ना, दोनों ही आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, ठीक, दोनों ही भगवान को समझना चाहते हैं ना, भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो अर्जुन बताता है कि अगर इस प्रोसेस में बीच में अगर फेल हो गया हो, है ना, किसी तरह फेल हो जाते हैं ना, तो किसी तरह उसकी बुरी संगति आ गई बीच में, है ना, तो यहाँ पे बोला ना कि भौतिकता के कारण, है ना, किसी तरह उसका ध्यान भटक गया, है ना, और दूसरे काम काम में लग गया, तो उसका क्या होगा, तो उसका जीवन ना तो इधर का रहा ना उधर का, ना वो पूरी तरह से भौतिक चीजें एंजॉय कर पाया, ना पूरी तरह से भगवान से जुड़ पाया, तो उसकी गति क्या होगी। तो अब आपको लगेगा कि नहीं, भगवान बोलेंगे कि उसको तो शुरू से योग शुरू से प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, भगवान बहुत दयालु। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया था, नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, यानी जो भक्ति का मार्ग है ना, भगवान से जुड़ने का जो मार्ग है, उसमें नेहा भी कर्म नाशोस्ति, उस अभिक्रम में कभी भी नाश नहीं होता है, प्रत्यवायो न विद्यते, ना ही कोई हानि होती है। तो भगवान वही बात अब इसमें बताएंगे, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद, तो यानी जो उसने अच्छे कर्म है पहले तो उनका भोग करेगा, ठीक है, जो उच्च लोग हैं यानी स्वर्ग लोक वगैरह है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुलों में जन्म लेता है। तो भगवान बोलते हैं, सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, तो जिसका पहले पिछले जन्म का उस भक्ति में जिसकी बाधा आ गई, पूरी नहीं हो पाई भक्ति, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान बहुत दयालु है, भगवान बोलते हैं अगले जन्म में वहीं से चालू करेगा। तो वहीं से चालू कैसे करेगा, उसका जन्म सदाचारी पुरुष यानी भक्तों के परिवार में उसका जन्म होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, कई लोग बचपन से ही भक्ति में हो जाते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या है, उनका पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, ठीक है, पूर्व जन्म में उनकी भक्ति आधी रह जाती है, तो इस जन्म में क्या होता है, उनका जो संपर्क होता है वो भक्तों से होता है, और वो फिर आगे बढ़ जाते हैं जल्दी तुरंत, या फिर धनवान कुल में जन्म लेता है। तो कई लोग आपने देखा होगा, धनवान कुल में भी कई लोग भक्त बन जाते हैं बचपन से, क्यों, क्योंकि उनको पैसों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता। तो जैसे हमारा जीवन है, हमारा जीवन यही पैसा इकट्ठा करने में ही लग जाता है ना, तो किसी को अगर घर बनाना है, किसी का सपना है मुझे घर बनाना है, तो 20 साल उसके उसी में लग जाते हैं। लेकिन अब जो जिसका धनवान कुल में जन्म हुआ भक्त का, उसके पास सब चीज पहले से ही है, तो इस अब क्या होता है, उसका एक ही एम रहता है, भगवान से जुड़ जाऊं मैं किसी तरह, ठीक है। तो इसीलिए उसका भगवान उसका अगले जन्म का पूरा ऐसा उसका वातावरण उत्पन्न करते हैं कि वो भक्ति में तुरंत लग जाए, ठीक है, कोई भी बाधा ना आए उसको। तो भगवान कितने दयालु है ना, तो भक्ति हमारा दिव्य बैंक है, ठीक है। यानी अगर अभी आपका कोई बैंक है, तो अगर आपकी मृत्यु हो गई और अगला जन्म हुआ, तो क्या होगा, आपका नहीं हुआ वो, ठीक है, तो आप भले ही कितना भी बोलो, है ना, वो अकाउंट या तो सरकार का हो जाएगा, किसी को और को मिल जाएगा पैसा। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, ठीक है, इसीलिए इसको दिव्य बैंक बोला जाता है।
इसीलिए भगवान व्यवस्था करते हैं। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद वहां असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है। तो पहले तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है ना, और उसमें से भी भक्तों के घर में जन्म लेना यह तो और भी ज्यादा दुर्लभ है, सुदुर्लभ। तो भगवान ये बताते हैं, ठीक है, इसीलिए भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो भगवान से जुड़ने के जो प्रोसेस है उसमें कभी भी नाश नहीं होता, भगवान ये बताते हैं। ओके, अब आ गया मेन बात। अब भगवान आज खुलासा कर देंगे कि आखिर सबसे बड़ा योगी कौन है, आखिर योगी है कौन, असली में वास्तव में योगी क्या है। तो क्या अष्टांग योगी योगी है, क्या ज्ञान योगी योगी है, या कर्म योगी असली योगी? तो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जितने भी योगा प्रोसेस अभी तक हमने डिस्कस किया है, तीसरे और पांचवें अध्याय में हमने डिस्कस किया कर्म योग के बारे में, चौथा अध्याय था ज्ञान योग, और अभी जो छठा अध्याय है वो कौन सा है, अष्टांग योग। तो हम देखते हैं ये वास्तव में ये सब भक्ति को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब भक्ति तक ही हमें ले जाते हैं। तो योगा लेडर है, ठीक है, योगा की सीढ़ी है ये। तो हम देखते हैं कर्म योग में क्या होता है। कर्म योग में हम भगवान के लिए सारे कार्य करते हैं। तो जैसे कोई कंप्यूटर इंजीनियर है अगर, तो भगवान के लिए अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। कोई अच्छा अगर कुक है तो क्या करेगा, भगवान के लिए अच्छा खाना बनाएगा, है ना। इस तरह हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवान के लिए भी करना शुरू कर देते हैं। तो कर्म योग जब हम करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान का जो ज्ञान है ना, दिव्य ज्ञान, वो हमारे मस्तिष्क में आना क्या हो देता, आरंभ कर देता है, ठीक है, यानी हम उसको समझना आरंभ कर देते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवद गीता समझ नहीं आती, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था शुरू में, बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और मैं सुनता था कि भगवद गीता बहुत अच्छी है, सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो इसीलिए समझ में नहीं आ रही है हमारे, क्योंकि हमने नीचे का स्टेप जो है कर्म योग है, यानी भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट ही नहीं किया था ना, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रही। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ठीक है, तो भगवान के लिए कर्म कैसे करना है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में बिल्कुल इनिशियली हमें कैसा करना है आरंभ, भगवान के लिए कर्म करना, मतलब हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मैंने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना थोड़ा आरंभ किया, तब जाके थोड़ी बहुत मेरी गीता समझ में आई, ठीक है, थोड़ी बहुत, है ना, पूरा तो कोई नहीं समझ सकता भगवत गीता, तो बहुत ही डीप है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत समझ में आनी हमारी स्टार्ट होती है। इसीलिए हम बोलते हैं बार बार, हम बोलते हैं जप करो, ठीक है, एक एक माला एटलीस्ट आप करो, तभी आपके समझ में आएगा ना, तभी आप ज्ञान योग आप समझ पाओगे, ठीक है, भगवान को जो ज्ञान है उसको समझ पाओगे। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, ठीक है, हमारे अंदर दिव्य गुण आ जाते हैं सारे, तो दिव्य गुण जब आपके अंदर आएंगे तो आपकी जो बुरी आसुरी प्रवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाएगी, है ना, और उसके बाद आपका ध्यान क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा भगवान पे, ठीक है। तो अष्टांग योग का असली उद्देश्य था भगवान पे ध्यान केंद्रित करना। तो हम जो अष्टांग योग का जो रिजल्ट है वो हमें मिल जाता है, ठीक है, जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं और जब हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है ना। और ये हमें क्या करते हैं, यही जो तीनों चीजें मिलके हैं ये अंत में हमें भक्ति योग में सपोर्ट करती है। तो अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है, भक्ति योग, ठीक है, ये बात हमें समझनी है। तो इसके बाद जो अध्याय हैं वो 7 से लेके 12 तक जो अध्याय है उसमें भक्ति योग भर भर के हैं, है ना। तो वैसे पूरी भगवद गीता ही भक्ति योग है, लेकिन मुख्यतः जो 7 से लेके 12 तक अध्याय है बहुत ही ज्यादा मधुर है, ठीक है, उसमें भगवान पूरा अपने बारे में और अपने भक्तों के बारे में बताने वाले हैं आगे, तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो इसीलिए भगवान भक्ति योग बीच में रखा है भगवान ने, ठीक है, ताकि हम एक प्रोसेस समझ सके, प्रक्रिया क्या है भक्ति की। तो अब भगवान क्लियर कर देंगे कि वास्तव में योगी कौन है, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। तो यही श्लोक है लास्ट इस अध्याय का, इसमें भगवान सब क्लियर कर देंगे। भगवान बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तपो मतः। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे प्रायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान बोले सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च योगी कौन है, जो हमेशा अंतःकरण में मेरे बारे में सोचता है ना, मेरा ध्यान करता रहता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो बात है, भजते श्रद्धावान, श्रद्धा पूर्वक भजते, तो भजते मतलब ये नहीं है भजन करना, ठीक है, भजते जो है भज धातु से बना है संस्कृत की, है ना, तो भज का मतलब होता है सेवा करना, ठीक है, तो भज का मतलब होता है सेवा करना, यानी जो श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करता है असली में सबसे बड़ा योगी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान ने पूरा पूरा खुलासा कर दिया, है ना, अष्टांग योगी, ज्ञान योगी, कर्म योगी, कोई भी हो, लेकिन जो
श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति भक्ति करता है, यानी भक्ति में मेरी सेवा करता है, ठीक है, तो वही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बात हमें समझनी होगी, भगवान ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इसके बाद अब भगवान भक्ति योग बताने वाले हैं, ठीक है, 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक। तो अब भगवान ने एक खुलासा कर दिया बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे गोपियां बताई गई है ना, तो गोपियां भगवान की बहुत ही ज्यादा शुद्ध भक्त थी, है ना, सबसे बड़ी योगी है। क्यों? क्योंकि हमेशा कृष्ण के बारे में चिंता रहती थी कि कृष्ण वन में गए होंगे तो कहीं उनके पैर पे कांटे तो नहीं चुभ गया होगा, कहीं कोई असुर उनको मार तो नहीं रहा होगा, कहीं उनको भूख तो नहीं लगी होगी, है ना, इस तरह हमेशा भगवान का चिंतन करती रहती थी, ठीक है। तो असली में वास्तव में योगी वही है, ठीक है। और हमने देखा कि अष्टांग योगी का उद्देश्य क्या होता है, भगवान को देखना हर जगह, है ना। तो भक्त भी क्या करता है, भक्त भी भगवान को देख पाता है, सबको परमात्मा का अंश के रूप, भगवान के अंश के रूप में सबको देख पाता है, ठीक है। तो भक्त भी भगवान को अपने हृदय में देख पाता है ना, और डायरेक्ट उनसे गाइडेंस ले पाता है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान हमेशा हमारे हृदय में होते हैं, लेकिन लेकिन क्योंकि हमारे हृदय भी शुद्ध नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है ये बात। तो भक्त और जो अष्टांग योगी है उनका एम एक ही होता है, ठीक है। तो भक्ति में भी वही लाभ उसको मिल जाता है अपने आप, क्योंकि वो उसी का पार्ट है ना, भक्ति का ही। तो हमें ये बात सीखनी है। तो इसमें ब्रह्म संहिता में भी एक ऐसा श्लोक आता है, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन है ना, यानी प्रेम की आंखों से, है ना, और भक्ति के काजल से संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यानी संत यानी जो भक्त लोग हैं वो हमेशा मुझे अपने हृदय में देख सकते हैं। तो क्या जरूरी है, प्रेमान जन चुरित भक्ति विलोचन है ना, यानी भक्ति की आंखें और प्रेम के काजल से जो भक्त होता है वो भी भगवान को अपने हृदय में देख सकता है, ठीक है। तो हमें ये बात समझनी है, आगे हम बढ़ते हैं। तो योग का मतलब है आध्यात्मिक अभ्यास है, ठीक है। योग का मतलब अपने हाथ पैर मोड़ना नहीं है। हाँ, जो हाथ पैर मोड़ना यानी जो आसन है वो योग का एक छोटा सा पार्ट है। तो अभी माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, योग जो हम कर रहे हैं वो योग नहीं है क्या? वो भी योग है, वो योग का एक पार्ट है, ठीक है, आसन। तो हमने देखा ना, 8 अंग है अष्टांग योग के, आसन उसमें एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमें यही नहीं पता कि असली उद्देश्य क्या है योग का, तो बस हम अपने हाथ पैर मोड़ने में ही लगे रहते हैं, तो ना तो हम उसके यम नियम का पालन करते हैं और ना हम भगवान से जुड़ पाते हैं। तो हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए हमारा एम ये होता है, जबकि योग का असली मतलब भगवान ने बता दिया क्या है ना, योग का असली मतलब है भगवान से जुड़ना। तो योग युज धातु से आया संस्कृत की, जिसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। अब जुड़ने के अलग अलग प्रोसेस मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा मैं बताता हूँ। तो हर युग में भगवान से जुड़ने के अलग अलग प्रोसेस थे, ठीक है। तो अष्टांग योग ऐसा नहीं है, गलत है, अष्टांग योग भी है, लेकिन वो इस युग के लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं बताता हूँ अष्टांग योग कौन से युग के लिए था। तो ये आता है भागवतम में, एक श्लोक आता है, ठीक है, कृतो यद ध्यायतो विष्णु। तो जो कृत युग यानी जो सत्य युग था, उसमें कैसा प्रोसेस था, भगवान का ध्यान करना, ध्यायतो विष्णु, है ना। तो जो अष्टांग योग का प्रोसेस था वो किसके लिए था, सत्ययुग के लिए था, ठीक है, क्योंकि वहां पे सब संत लोग थे उस टाइम, बहुत ज्यादा संत लोग थे और उनकी आयु भी लंबी होती थी, अनेक अनेक वर्षों तक वो रहते थे, ठीक है, योग की अवस्था में रहते थे, है ना, ध्यान की अवस्था में रहते थे। और उस टाइम पवित्र स्थान भी था, एकांत स्थान भी था, है ना, ठीक है। तो ये उस युग का प्रोसेस था सत्ययुग का। उसके बाद त्रेता युग आया, तो त्रेता में भगवान ने क्या बोले, क्या बोला, त्रेतम यजतो मकई। तो त्रेता युग में हम भगवान से कैसे जुड़ते थे, मकई यानी भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में हम उनसे जुड़ते थे, ठीक है। तो यज्ञ हम करते थे, है ना, तो वेदों में भी ऐसा आता है, यज्ञो वे विष्णु, यानी यज्ञ क्या है, भगवान विष्णु के लिए कर्म करना। तो हम भगवान विष्णु को मकई यानी यज्ञ पुरुष के रूप में हम उनको प्रसन्न करते थे, उनसे जुड़ते थे, ठीक है। ये त्रेता युग का प्रोसेस था, यज्ञ वगैरह। उस टाइम जो पुरोहित होते थे उनकी वाणी भी एकदम शुद्ध होती थी, है ना, वो एकदम मंत्र फूक के ही आग लगा देते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना। तो उस टाइम पुरोहित भी शुद्ध थे, है ना, सामग्री भी शुद्ध थी, आजकल तो शुद्ध घी भी नहीं मिलता है ना, शुद्ध दूध भी नहीं मिलता, शुद्ध यज्ञ का सामान भी नहीं मिलता, तो बहुत चीजें हैं, ठीक है, आजकल प्रैक्टिकल नहीं रही अब। उसके बाद आया द्वापर युग, द्वापरे परिचार्यायम, यानी भगवान बोलते द्वापर में कैसे जुड़ते थे उनसे, बड़े बड़े मंदिर बना के, है ना, और विग्रह सेवा करके। तो विग्रह मतलब वैसे मूर्ति, मूर्ति जिसे आप बोलते हैं वैसे मूर्ति नहीं बोलते, ठीक है, विग्रह बोलते हैं भगवान का। तो द्वापर युग में भगवान के विग्रह सेवा करते थे, ठीक है। तो आप बोलोगे अच्छा ऐसा है, तो फिर आप लोग मंदिर क्यों बना रहे हो इतने बड़े बड़े, है ना, ये तो द्वापर युग का है। तो प्रभुपाद जी से किसी ने ये पूछा था कि आप फिर मंदिर क्यों बना रहे हैं, तो प्रभुपाद जी ने बोला था हम तो पेड़ के नीचे भी आपको समझाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग आएंगे नहीं, है ना। तो जो इस्कॉन में जो मंदिर है, ठीक है, वहां पे खाली ये नहीं होता कि आप जाओ और प्रसाद चढ़ा के आ जाओ, वहां पे क्या होता है कि
पहली बात, 4 टाइम आरती होती है ना, मंगल आरती होती है, शयन आरती होती है और श्रृंगार आरती वगैरह होती है ना, 4 तरह की आरती होती है। उसके बाद क्या होता है कि भागवतम के लेक्चर होते हैं हमेशा, ठीक है, सुबह भागवतम और भगवद गीता के लेक्चर होते हैं हर मंदिर में, और उसके बाद कीर्तन होते हैं नॉन स्टॉप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कई मंदिरों में वो चला देते हैं ना, क्या चला देते हैं, कैसेट लगा के चला देते हैं ना लाउड स्पीकर पे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वहां पे खुद भक्त लोग कीर्तन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, खुद से बनाते हैं भगवान के लिए ना भोग लगाते हैं, तो एक गुरुकुल की तरह है, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए मंदिर बना रहे हैं, ठीक है। तो खाली साधारण नहीं है ना। अब कलयुग में भगवान ने क्या बोला, तो भगवान कलयुग के लिए बोलते हैं, है ना, पहले क्या बोला, त्रेतो या ध्यायतो विष्णु, है ना, त्रेता सतयुग में भगवान का ध्यान करना, क्या बोला फिर, त्रेतम यजतो मगई, यानी त्रेता युग में यज्ञ करना, और द्वापर ही परिचारे हम, द्वापर में अर्च विग्रह सेवा करना मंदिर में, और कलयुग में क्या बोला, कलौ तद हरि कीर्तनम, यानी कलयुग में भगवान से कैसा जुड़ना है, भगवान के नाम का जप करके, ठीक है, कलौ तद हरि कीर्तनम, भगवान के नाम का जप करके भगवान से जुड़ना है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, और ऐसा नहीं है केवल भागवतम में, अनेक शास्त्रों में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो वैसे इसमें दो चार ही है, लेकिन अगर मैं बताने लग जाऊं कि कितने शास्त्रों में है तो शायद आधे घंटे से ऊपर निकल जाए, तो इसीलिए जो मेन मेन है वो हम बताते हैं। तो नारदीय संहिता में है, उसमें भी है कि कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। आगे क्या आता है, आगे जो चैतन्य चरितामृत है उसमें भी ये आता है, और ये ब्रह्म नारदीय पुराण भी है एक, उसका भी ये श्लोक है, यानी 2 बार आया है, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवल कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, यानी हरि का नाम और केवल हरि का नाम, है ना, कलयुग में नास्ते व नहीं है, नहीं है, नहीं है और कोई उपाय, तो 3 बार बोल रहे हैं, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है ना। तो साफ साफ बोला है, 3 बार बोला है ना, बहुत ज्यादा जोर देके बोला है, ठीक है। तो हमें समझना है कलयुग में भगवान के नाम का जप कितना जरूरी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र है इसका भी, ये भी वेदों का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आता है कलि संतरण उपनिषद का हिस्सा है, ठीक है। तो उसमें भी यही बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश के नाम नाम कलि कलमश नाशनम नत्त परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है 16 शब्दों का, है ना, न तो परे तरह उपाय, कोई उपाय नहीं है, सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद देख लिए लेकिन कलयुग में इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं जो वेदों के ज्ञाता है, तो ये बात हमें समझनी है, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्टार्ट कर देना है, ठीक है, आज से। तो कई लोगों ने कर दिया, कई लोगों के मैसेज आए मेरे पास, कई लोगों ने स्टार्ट कर दिया, जपमाला भी उन्होंने मंगा दिया। तो अगर आप जप माला नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मैं ग्रुप में मैंने डाला था शायद, या नहीं, मैं दोबारा डाल दूंगा, तो आप खरीद सकते हैं, वरना अगर आपके आसपास मिल जाएगी तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमें क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है ना। और श्रीमद् भागवतम में जो ये थे, तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने बोला कि कलयुग में तो इतनी बुराइयां आ जाएंगी, है ना, धर्म नष्ट नष्ट होने के कागार पे आ जाएगा, ठीक है, हर तरफ पाप हो जाएगा, तो ऐसे में लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है। तो यानी कलयुग में लाख बुराइयां भले ही हो, लेकिन उसके अंदर एक अच्छा गुण भी है कलयुग के, वो कौन सा है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से, यानी भगवान के नाम का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। यानी कलयुग में भले ही लाखों बुराई हो, लेकिन एक इसमें एक अच्छा गुण है क्या, कि इसमें केवल हम भगवान के नाम से ही वो सब पा लेंगे जो बाकी युगों में बड़ी बड़ी तपस्याओं से, बड़े बड़े यज्ञों से, है ना, बड़े बड़े मंदिर बनाने से जो फल मिलता था, वो हम कलयुग में केवल भगवान के नाम से पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कलयुग की विशेषता है। तो ऐसा क्यों है, कलयुग में भगवान ने इतना सिंपल क्यों कर दिया प्रोसेस, सिंपल इसलिए कर दिया, सिंपल नहीं किया, हमारे स्टैंडर्ड देख के किया, ठीक है। तो एक सेकंड क्लास वाले के लिए क्या है कि
अगर आप बोलोगे सेकंड क्लास वाले को, 10वीं क्लास का अगर कोई क्वेश्चन दोगे तो उसके लिए हार्ड होगा ना, लेकिन सेकंड क्लास वाले को सेकंड क्लास का ही क्वेश्चन देते हैं ना, इसीलिए हमारा जो स्टैंडर्ड वो गिर चुका है कलयुग में ना, इसीलिए भगवान ने प्रोसेस भी बिल्कुल सरल कर दिया। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, हमारे हमारे लिए तो अब भी कठिन है ना, तो भगवान अब भी कई लोग कर नहीं रहे हैं जब, है ना, तो क्योंकि बहुत ही कठिन है हमारे लिए, लेकिन पहले के अगर हम कंपेयर करें तो उसके हिसाब से बहुत ही आसान है। ठीक है, तो भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं 10वें अध्याय में, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यानी समस्त प्रकार के यज्ञों में मैं पवित्र नाम का जप हूँ, है ना, तो भगवान पवित्र नाम के जप को संबोधित करते हैं। ठीक है, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। ठीक है, तो उससे पहले हमें पंच तत्व मंत्र बोलना होता है चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु है ना, कृष्ण स्वयं आए ठीक है इस नाम का प्रचार करने, क्योंकि कलयुग में हम भूल चुके थे किस तरह भक्ति करनी है भगवान की। तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, माता पिता बच्चे का हाथ पकड़ के उसको सिखाते हैं ना ABCD लिखना, आ ये लिखना, उसी तरह भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए क्या, हमें बताने के लिए कि भक्ति किस प्रकार करनी है। ठीक है, इसीलिए हमें पहले उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है, तो उसके लिए हम पहले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, इस मंत्र का हम पहले जप करते हैं एक बार, उसके बाद 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। ठीक, और जप कैसे करना है, कई लोग बोलते हैं कि आप मन में जप करना है, नहीं मन में बिल्कुल नहीं करते जप, हाँ अगर परिस्थितियां कुछ अलग है तो अलग बात है, लेकिन आप मन में बिल्कुल नहीं करना, क्यों, क्योंकि जब हम जप कर रहे हैं, जब हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो पहली बात दो चीजें सेवा में लग रही है क्या, एक तो हमारा मुंह सेवा में लग रहा है ना बोल रहे हैं, दूसरा हमारे कान भी सेवा में लग रहे हैं भगवान की। ठीक है, तो हमें कोशिश करना है हमारी इंद्रियां भगवान मैक्सिमम भगवान की सेवा में लगे, तो अगर आप बोलोगे नहीं भगवान का नाम है ना, तो क्या होगा, ना आपका मुंह सेवा में लगेगा ना कान सेवा में लगेगा ना, तो इसीलिए हमें बोल के जप करना है। ठीक, और बोल के जप करने में ध्यान भी आसान हो जाता है ना, मन ही मन में आप करोगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम जो जप का साउंड है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी हरे कृष्णा जय कृष्णा 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 कृष्णा, है ना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आराम आराम से, मतलब आराम से, इतने आराम से भी मतलब ऐसा बोलना है कि हर स्वर का हर जो अक्षर है ना उसका हर नाम का सही से उच्चारण आप कर पाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक एक शब्द क्लियर सुनाई देना चाहिए। ठीक है, और चैलेंजिंग मूड में नहीं करना बिल्कुल भी, और गुस्से से नहीं करना। ठीक है, तो कैसे करना है, सम्मान के साथ रिस्पेक्ट के साथ, क्यों, क्योंकि आप भगवान को बुला रहे हो। ठीक है, भगवान को आप अपनी जीवा पे बुला रहे हो, जीवा के माध्यम से बुला रहे हो ना, तो जब कहते हैं भगवान का नाम लेते हो तो भगवान हमारी जीव पे होते हैं, तो उस टाइम हमें चाहिए कि हमारे अंदर सम्मान की भावना हो। ठीक है, और भक्ति एकाग्रता के साथ जप करना चाहिए, वरना नाम अपराध हो जाएंगे, है ना, तो अपराध हमारी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें सम्मान के साथ और भक्ति और एकाग्रता के साथ करना है। तो आगे इसमें प्रोसेस बताए वही दोबारा से, एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए कर्म करता है, तो भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना है ना, या फिर कोई दान कर सकता है मंदिर के लिए, तो इस तरह से हम कर्म योग करते हैं पहले, इसका अभ्यास करते हुए हैं कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुड़ जाता है, तो इसके बाद जब वो ज्ञानियों से मिलता है यानी भक्तों से ज्ञान लेता है, तो उसके बाद उसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है कर्म योग के बाद, वहां धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है, तो अब वहां मैंने बताया ना, उसके बाद अष्टांग योग में क्या होता है, परमात्मा को हम अपने हृदय में महसूस करने लगते हैं। ठीक है, तो यही होता है जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो ये सारे जितने भी योग है भक्ति योग तक पहुंचने की एक सीढ़ी है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं, कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है, निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो जो निष्काम कर्म योग, यानी दो तरह के कर्म योग, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, तो सकाम कर्म में क्या होता है, कुछ परसेंट जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई अगर सॉफ्टवेयर कोई डिजाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसका कुछ परसेंट वो भगवान के लिए कर रहा है। ठीक है, और बाकी अपने कार्य में लगा हुआ है, तो ये सकाम कर्म, यानी आप काम वो अभी भी वही कर रहा है जो उसको पसंद है ना, लेकिन क्या कर रहा है, वो थोड़ा बहुत भगवान के लिए कर देता है। लेकिन निष्काम कर्म में क्या होता है, जो भी सेवा होती है, कोई भी सेवा हो भगवान के लिए, है ना, वो करने को तैयार रहता है। ठीक है,
अगर मान लो कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ठीक है, सिविल इंजीनियर एक नक्शा बनाने की जरूरत है, वो नक्शा बनाना भी सीख लेगा भगवान के लिए ना, तो निष्काम कर्म में कोई भी सेवा हो वो कर लेता है, ठीक है। तो दोनों में यही अंतर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो कर्मयोग निष्काम कर्म योग उसका एक आरंभ है, कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। तो आगे के कल के अध्याय में भगवान बताएंगे श्लोक कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित इति सिद्धयो, कि हजार मनुष्य में कोई एक ही मेरी तरफ आकर्षित होता है ना, और उसमें भी भगवान बोलते हैं उनमें से भी कोई एक बहुत मुश्किल से मेरे साथ जुड़ पाता है। तो इसीलिए भक्ति योग बहुत ही दुर्लभ है, ठीक है। ये कल हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल में क्यों दुर्लभ है और भगवान ने ऐसा क्यों बोला। अनेक अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ब्रह्म ज्योति ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो जो भगवान है आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। तो जो योगी होता है आदर्श योगी वो क्या करता है, भगवान ने बता दिया ना समय युक्त तमो मता, वो हमेशा मेरा ध्यान मेरा चिंतन करता है मन में। तो मन में निराकार का तो चिंतन कर नहीं सकता हो ना, तो श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो ब्रह्म ज्योति होती है ना भगवान के शरीर का तेज, उस पर ध्यान करते हैं निराकार ब्रह्म पे, ठीक है। वे तो भगवान जो है वे राम नरसिंह वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। तो भगवान है, ठीक है, हमें ये नहीं बोलना कि वो तो पेट से उत्पन्न हुए तो भगवान कैसे हुए। तो भगवान तो खंबे के अंदर से भी आ सकते हैं ना, खंबे से नरसिंह देव आए ना, तो ऐसा नहीं है, भगवान भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए ना। तो वो क्या करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, यानी यशोदा को आनंद देने के लिए वो उनके पुत्र के रूप में भी जन्म ग्रहण करते हैं, ठीक है। कृष्ण गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं, वह पूर्ण बालक पूर्ण पति पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है, और वह समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। तो असली योगी कौन है, जो भगवान के बारे में जानता है, ठीक, भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, वही असली योगी है। और योगी वो नहीं है जो अपने हाथ पैर मोड़ लेता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो भक्ति योग में सारे योग आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है, भगवान ने खुद बोल दिया। तो ओके, तो आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं पहले चैट में जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। अष्टांग योग के बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप पतंजलि योग सूत्र पढ़िए, प्रभु जी आप सर्च करिए, ठीक है। क्या जो आजकल हम योग कर रहे हैं वो योग नहीं है, तो ये किरण माता जी पूछ रही है। हाँ वो भी योग है माता जी, लेकिन वो एक योग का एक हिस्सा है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों को अपना शरीर भी मेंटेन करना होता है ना, तो पहले जो योग बताया शरीर को मेंटेन करने के लिए, बस हम खाली शरीर को ही मेंटेन करना करना है, हम उसका एम नहीं जान रहे योग का। तो शरीर को भी जरूरी है ना, जैसे कि रसगुल्ला होता है ना, तो रसगुल्ला आप कैसे ले जाते हो, मिठाई एक डब्बे में ले जाते हो ना, तो लेकिन हमें डब्बा नहीं खाना, हमें क्या करना खाना है, रसगुल्ला खाना होता है। डब्बा क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है ना। तो ऐसे जो हमारा शरीर है उसको हम मेंटेन करते हैं किसके लिए, ताकि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाए। तो योग का एक पार्ट था वो शरीर को मेंटेन करना, लेकिन लोगों ने क्या किया, बस वही चुन लिया शरीर को मेंटेन करना, भगवान को भूल गए, है ना। सौरभ प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, अगर समय से नींद नहीं हो पा रही हो और हम चाहते हैं कि नींद टाइम से हो पूरा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो प्रभु जी आप डिसिप्लिन लाना इसमें जरूरी है, जो हम फालतू कामों में हम कई समय बर्बाद कर देते हैं ना। तो समय सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन क्या करना है, हमें मैनेज करना है उसको। और जो फालतू फालतू हम कार्य कर रहे हैं है ना, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, उनको बंद करना होगा हमें। और समय से आप सोओगे तभी तो आप समय से उठ पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मोबाइल एक तरफ रख देना है ना, क्योंकि अगर आपने एक बार सोते टाइम मोबाइल पे आपकी नजर जाती है तो बहुत ज्यादा उसमें टाइम चले जाते हैं, ठीक है। तो सोते टाइम नो मोबाइल, ठीक है, पहले ही, और जल्दी सो जाना है तो आप तभी जल्दी उठ पाओगे। माला जप करने के लिए क्या प्याज लहसुन बंद करना जरूरी है, एक्चुअली मैंने माला खरीदी, प्रवीणा माता जी बोलिए। ओके, नहीं माता जी ऐसा नहीं है, अभी तो प्रारंभिक अवस्था है, तो इसमें हम किसी को ये नहीं बोलते अब ये छोड़ो। अगर हम पहले ही ये बोलने लग गए तो आधे लोग, तो पहले इतने कम लोग हैं, तो क्या होगा कि भक्ति में ऐसा नहीं है, भक्ति में क्या होता है प्रोसेस ऐसा कि आप धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हो, ठीक है।
और जब आप करोगे करोगे तो एक टाइम आपके मन में खुद ही आएगा कि नहीं शायद ये गलत है, ठीक है आप ये छोड़ना चाहिए। तो आप पहले स्टार्ट करिए, ठीक है, धीरे धीरे जो सही होगा वो अपने आप आपको पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और अभी हम बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन खुद ही आपके अंदर वो चीज आने लग जाएगी कि नहीं जो ये मैं कर रहा हूँ शायद ये सही नहीं। तो कई लोग मांसाहार छोड़ देते हैं भगवद गीता सुन के, तो हम किसी को बोला नहीं है लेकिन क्या करते हैं उनके उनको लगता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ कहीं ना कहीं वो बाधा डाल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ने में। तो इसीलिए आप स्टार्ट तो करिए एक बार, ठीक है, आगे आपको पता लग जाएगा अपने आप छूट जाएगी सब चीजें। तो एक माला हर कोई करिए, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं आप छूट जाएगा अपने आप अगर जो सही होगा और गलत हो। सदगुरु जो योग बताते हैं वो कैसा योग है प्रभु? हाँ सदगुरु भी इसी सदगुरु ये यही है, ध्यान जो इसमें एक बताया ना, ध्यान भी इसका एक पार्ट है ना अष्टांग योग का, ठीक है। तो जो लोग हैं सब जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ पार्ट ही बता रहे हैं बस आपको, है ना, पूरा नहीं बता रहे हो, अष्टांग योग का पूरा पार्ट नहीं बता रहे हैं कि उसका प्रोसेस क्या है और अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है, चरम क्या है ना। तो छोटे छोटे पार्ट वो लोग बता देते हैं, है ना, लेकिन देखिए आप समझिए, ठीक है, अष्टांग योग का मतलब क्या है, तो हमें जानना होगा। रामकृष्ण हरि का जप करना ही बहुत बहुत दिन से कर रहा हूँ। ओके ठीक है, करते रहिए आप। निहारिका माता जी क्या बोल रही, माला लाते ही जप कर सकते हैं या पहले उसे शुरू करना होता है? शुरू मतलब कैसे करना है माता जी आप? हाँ स्टार्ट कर सकते हैं जैसी, हाँ आप पहले भी कर सकते हैं, अगर आपके पास माला नहीं है तो आप ऑर्डर कर लीजिए, जब तक आएगी तब तक आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, पहले हम जो इनके हैंड रेज है उनसे पूछ लेते हैं थोड़ा। ओके प्रशांत प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न तो जी मेरा ये है कि जैसे श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं भी दिखाई और बाकी लीलाएं भी दिखाई, और महाभारत में तो वो अपना विराट रूप भी दिखाते हैं, परंतु इसके जी उलट जब राम जी का अवतार हुआ था तो उन्होंने ये सब लीलाएं नहीं दिखाई थी, और जैसे अपने आप को प्रभु बताना ये सब उन्होंने नहीं किया था। तो इतना डिफरेंस क्यों है दोनों अवतारों में विष्णु जी के? पहला प्रश्न ये ओके था। हाँ, जी और सर सेकंड प्रश्न मेरा यह था कि जैसे अगर हम शिव पुराण में देखें तो उसमें कथाएं आती है कि कैसे एक लिंग से प्रकट होके विष्णु जी और जी ब्रह्मा जी को शिव जी ने बताया था कि आप एक ऊपर की तरफ जाइए और इसका पूरा अंत देखिए। तो ये सब जो जी कथाएं हैं उसमें शिव पुराण में मतलब शिव जी को परमेश्वर बताया गया है, सबसे बड़ा बताया गया है। जी और अगर हम दुर्गा की दुर्गा पुराण देखते हैं तो उसमें माता को इन सब का स्रोत बताया गया है, सारे भगवानों जी का। तो सर जी सत्य क्या है मतलब? ओके तो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपका। आपने बताया कि राम जी ने कुछ ही लीलाएं प्रकट की है ना, और कृष्ण ने सारी बहुत सारी लीलाएं की हैं, राम जी से ज्यादा लीलाएं की है। तो प्रभु जी ये जो होता है, जो लीलाएं होती है, ये आनंद देने के लिए वैरायटी होती है, ठीक है, इनमें तो भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग वैरायटी। अगर सब चीज एक जैसी हो जाएगी तो क्या होगा, आनंद कम हो जाएगा, रस कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए रस की दृष्टि से ये लीलाएं, भगवान सारी लीलाएं नहीं करते कभी कभी, और कभी कभी बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो वैरायटी जितनी होगी उतना ज्यादा भक्ति भक्तों को क्या होता है, आनंद आता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान अलग अलग रस देना चाहते हैं ना, तो अलग अलग, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है ना, तो भक्त के रूप में आ गया ना, तो इसीलिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उसमें अलग अलग रूपों में अलग 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 प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि लीलाओं में वैरायटी हो, एक तरह से ना हो सारी लीलाएं, ठीक है। और दूसरा यह है कि भगवान ने कभी राम जी में ऐसा नहीं बोला मैं भगवान हूँ, है ना, लेकिन राम जी तो भगवान है, हमें पता है, लक्ष्मण ने बोला और हनुमान जी ने बोला, ठीक है, सबने तो यही बोला है ना, तो ये बात हमें समझनी चाहिए, ठीक है। ओके तो शिव जी भी यही बोलते हैं, तो शिव जी से जब पार्वती पूछती है कि आप किसका ध्यान करते हैं, तो शिव जी क्या बोलते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान वरानने। शिव जी बोलते हैं कि जो राम नाम है वो 1,000 नामों के बराबर है, और उसी नाम का मैं जप करता हूँ बार बार, ठीक है। दूसरा आपने बोला शिव पुराण में लिखा है कि सब चीज लिंगम से आई है, और देवी भागवतम पुराण में लिखा है कि सब चीज देवी से आई है, तो ठीक है सारी बात सही है, लेकिन आप टोटल सम मिलाओ और देखो भागवतम में पूरा दिया है, ठीक है, कैसे किस प्रकार भगवान दृष्टिपात करते हैं महत्त्व तत्व पे, है ना, और महत्त्व तत्व किस तरह लिंग का फॉर्म लेता है, शिवलिंग का, है ना,
और उससे फिर किस तरह प्रकृति से जुड़ के प्रकृति हुई है ना, और उसके बाद फिर किस तरह देवी से भौतिक संसार आता है। ठीक, तो ये सारे आपने सही बोले, लेकिन उसको आप जोड़ के देखोगे क्रोनोलॉजी, तो वो क्या है, वो भागवतम में आपको मिलेगा। ठीक है, किस तरह आया है। और जैसे आपने बोला ना विष्णु, तो विष्णु प्रभु जी हमने पहले भी बताया पिछली क्लासों में, विष्णु तीन तरह के हैं। ठीक है, थीके? विष्णु कोई एक नहीं है, विष्णु एक तत्व है। तो विष्णु तीन तरह के होते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु जिससे सारे ब्रह्मांड आते हैं। ठीक है, थीके? और फिर सॉरी, पहले महाविष्णु होते हैं जिससे सारे ब्रह्मांड आते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जो होते हैं। ठीक, और उसके बाद होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हर हर जीव के अंदर जो परमात्मा रूप में जो जाते हैं। ठीक है, थीके? तो इसलिए विष्णु एक नहीं है, विष्णु तत्व है। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी होगी। तो भागवतम में इसका पूरा प्रक्रिया दी है, जो आप सारे अलग अलग चीजें बता रहे हो ना कि देवी से ऐसे प्रकृति आई शिव जी से, तो सब चीजें एक प्रोसेस दी है लाइन से, किससे कैसे क्या आता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा वेट कीजिए, एडवांस आगे के जो कोर्स होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, यानी सारे जो चौथा स्कंद है भागवतम का उसमें है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको अभी, क्योंकि इसका एक पूरा अलग ही सेशन है प्रभु जी, बहुत टाइम लग जाएगा समझने में इसको। ओके ओके, प्रशांत प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी माला का जाप करने का सही समय कौन सा है, मॉर्निंग में या? ओके, वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तत्र पिता नियमिता स्मरणे न काला, यानी ना इसका कोई नियम है ना काल है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको बेस्ट समय निकालना है तो सुबह सुबह का जो समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त है ना, ब्रह्म यानी आध्यात्मिक, तो सुबह का जो समय है वो आत्मा के लिए बना है। ठीक है, तो उस टाइम हमें अगर आप जप करेंगे तो बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप किसी कारण नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई समय नहीं है वैसे। ठीक है, ओके माता जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। ओके विनोद प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। गीता जी। प्रभु जी, गीता शास्त्र, वेद और उपनिषद में क्या अंतर है और इनमें श्रेष्ठ कौन है? ओके, गीता क्या बोला, गीता शास्त्र वेद ना? गीता ओके शास्त्र, वेद और उपनिषद। ओके ओके, तो शास्त्र प्रभु जी जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ है सबको शास्त्र बोलते हैं। ठीक है, शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स है ना, जितने भी है सब ये शास्त्र है। ठीक है, और जी जो वेद है वो श्रुति है, श्रुति यानी जो हम सुन के पहले याद करते थे वेदों को है ना, तो पहले जो लोग होते थे वो श्रुति धर उनको बोलते थे, यानी सुन के ही सब चीजें याद हो जाती थी उनको। ठीक है, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, तो उन लोगों को वेद सुन के ही याद हो जाता था, इसलिए उनका वेद उनके लिए बनाए गए थे है ना। लेकिन आजकल कलयुग में ऐसा नहीं है, कलयुग में अगर आप ऋग्वेद देखोगे तो उसमें 10,000 से ज्यादा उसमें श्लोक है। ठीक है, तो अगर आप एक एक करने लग जाएंगे तो एक दिन में एक करोगे तो 10,000 आप समझ सकते हो। ठीक है, और इस तरह चार वेद है तो सोचो आपको कितना साल लग जाएगा, 20-25 साल आपके इसी में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों की बुद्धि इतनी नहीं है कलयुग में है ना कि हम सुन के याद कर सके वेदों को, तो हमें एक दिन में एक ही श्लोक हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, कलयुग में जो प्रोसेस है ना, कलयुग में भगवत गीता एक उसका एक सारांश है। ठीक है, समरी यानी उसका हमें वेदों का उद्देश्य पता लग जाता है ना, उससे वेदों का निचोड़ क्या है। ठीक है, एक तरह से तो भगवत गीता वेदों का निचोड़ है। जैसे पहले दिन अगर आपने अटेंड किया होगा तो उसमें हमने गीता महात्म्य पढ़ा था, तो उसमें उसमें जो शंकराचार्य जी है उन्होंने यही बोला था ना कि जो गीता उपनिषद है वो सारे वेदों का सार है। ठीक है ना, तो हमें ये बात जी समझनी है, तो भगवान गीता में यही बोल रहे हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान बोलते सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है ना, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, यानी वेदों का कर्ता, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ है ना, और वेदों का उद्देश्य भी मैं ही हूँ। ठीक है, तो भगवान ये बात स्वयं भगवद गीता में बोले, इसीलिए हमें वेदों का तात्पर्य जानना है कि वेदों का वास्तव में अर्थ क्या है, तो वो हमें भगवद गीता से पता लग जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक तो तो उसके बाद ये आता है, हाँ बताइए, महाभारत होता है, ये श्रुति में आता है या स्मृति में आता है? महाभारत प्रभु जी दोनों ही है एक तरह से, महाभारत एक स्मृति में इसलिए आता है क्योंकि ये इतिहास का पार्ट है ना, और इसमें जो भगवत गीता है वो श्रुति इसलिए क्योंकि वो भगवान की वाणी है डायरेक्ट है ना, किसी ने स्मरण नहीं किया, वो डायरेक्ट कौन लिख रहा है उसको, व्यास देव जी लाइव लिख रहे हैं जो देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है, तो इसका आंसर दोनों ही है। ठीक है, तो सभी आचार्यों ने अलग अलग बोला है ना। अब जो इनमें आती है, श्रेष्ठ
श्रेष्ठ क्या होती है, श्रुति या स्मृति? हमें किस ओर जाना चाहिए, श्रुति की ओर या स्मृति की ओर? मैं बोला था प्रभु जी, कलयुग में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि श्रेष्ठ तो सारे ही है ना, हम किसी को ये नहीं बोल सकते, लेकिन चैप्टर की समरी भी श्रेष्ठ होती है, चैप्टर भी श्रेष्ठ ही है ना। लेकिन अभी वेद, अभी आजकल के टाइम के हिसाब से हमारे हमारे पास क्या है, इतना समय नहीं है, ठीक है? तो हर समय प्रोसेस चेंज होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया ना अष्टांग योग, तो आप बोलोगे अष्टांग योग श्रेष्ठ है कि कर्म योग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग, तो हर युग के लिए अलग अलग योग था ना, तो ऐसा नहीं है कोई छोटा है कोई बड़ा, टाइम के हिसाब से है, ठीक है? तो सारे शास्त्र सही है, पर समय के हिसाब से क्या है, समय के हिसाब से आप भगवद गीता 700 श्लोक है, आप एक दिन में एक भी करोगे अगर तो 2 साल के अंदर हो जाएगा, लेकिन वेद का ऐसा नहीं है ना, वेद आप एक दिन में एक श्लोक करोगे पता नहीं कितने साल आपको लग जाएंगे, ठीक है? तो आजकल के हिसाब से भगवद गीता सबसे बेस्ट है प्रभु जी, आजकल के हिसाब से, ठीक है? कोई छोटा बड़ा नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज जी, जैसे कहीं फोन करते हैं और उस तरफ से जैसे संबोधन आता है श्री राधे राधे, लोग कर देते हैं, जी ठीक है? और जिस तरह आपने बताया कि राधे नाम को गुप्त रखा गया है, तो जी जैसे जी ये मार्गदर्शन महाराज जी, हाँ हमें करना चाहिए या जी, नहीं? जी भाई, एक्चुअली हम लोग तो नहीं करते, लेकिन कई लोगों को क्योंकि पता नहीं है ये बात, तो वो लोग करते हैं, तो ठीक है, उनको पता नहीं है तो ठीक है, अब हम बोल नहीं सकते उनके लिए कुछ, लेकिन अगर हमें पता है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और महाराज क्योंकि जी, हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्होंने यही बोला है, ठीक जैसे आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो हम कर सकते हैं उनके संबोधन में उन्हें रिप्लाई? आप हरे कृष्णा बोल दीजिए ना, बात तो वही है, और हाँ आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन हरे कृष्णा आप बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि राधा एक्चुअली जो हमारा जो मेन है ना, गौड़ीय वैष्णव का जो मेन केंद्र बिंदु है हमारा राधा है, ठीक है? तो इसीलिए हम उसके प्रति कोई वो नहीं करना चाहते, उस नाम के प्रति अपराध, क्योंकि कृष्णा तो क्षमा कर देते हैं, कृष्णा बहुत दयालु है, लेकिन राधा रानी अगर एक बार रूठ गई तो बहुत मुश्किल है उनको जी, मनाना, जिस तरह इसीलिए आपके हम उन माध्यम से हाँ आदि हाँ आदि इसीलिए हम शक्ति हो। उनका हाँ इसीलिए हम अपराध नहीं करना चाहते उनके नाम के प्रति, बिल्कुल। जी महाराज जी, ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, माला करते हुए अगर जैसे एक आध बार ऊपर नीचे से हो जाते हैं, नामों में इंटरफेयर हो जाता है अगर महाराज जी, तो हाँ नाम अपराध हो जाएगा? नहीं, नाम अपराध नहीं होता, नाम में आगे पीछे हो जाए तो नाम अपराध नहीं होता, बस आपका ध्यान उस नाम पे होना चाहिए, ठीक जी महाराज जी, राधे है? राधे, ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर आपने वही लिख ली, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु जी। तो अभी हम थोड़ा चैट में भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चैट में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। कर्म अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है? और माता जी, कर्म अकर्म मतलब पहले हम विकर्म समझते हैं, विकर्म मतलब हो गया जो शास्त्रों के बिल्कुल अगेंस्ट है ना, जैसे खाना है, ठीक है? तो जैसे आप खाना अगर वो भोजन खा रहे हैं जो शास्त्रों में जो वर्जित है ना, तो वो क्या हो गया, विकर्म हो गया, ठीक है? कर्म मतलब हो गया जो जो शास्त्रों में बताया गया, ठीक है, खाने के लिए, तो यानी आप अच्छा खाना अगर खा रहे हो तो वो क्या हो गया, कर्म है ना, आप अच्छा काम कर रहे हो वो कर्म में आ गया, ठीक है? पुण्य का काम कर रहे हो वो कर्म में आ गया ना, तो पाप का कार्य कर रहे हो तो विकर्म में आ गए, पुण्य का कर रहे हो तो कर्म में। लेकिन अकर्म मतलब है पाप पुण्य से ऊपर, यानी भगवान के लिए कार्य करना, यानी अब आप जो खाना खा रहे हो ना, अब आप भगवान को अर्पित करके खा रहे हो, तो किसमें आ गया, अकर्म, ठीक है, वो पाप और पुण्य से ऊपर हो गया। तो इसी तरह हर 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 प्रोसेस है ना, तो जैसे कि शादी भी है, ठीक है? तो जैसे कि आप अगर शादी से पहले किसी से संबंध बनाते हो तो वो क्या है, विकर्म है ना, शादी के बाद वो क्या हो गया, कर्म हो गया ना, वैदिक नियमों के अनुसार आप जीवन जी रहे। लेकिन आप कृष्ण भावनामृत में अगर आप इसीलिए बच्चे को पैदा कर रहे हो कि मेरे बच्चे भक्त बनेंगे, तो वो क्या हो गया, अकर्म में आ गया, आप भक्ति के लिए कर रहे हो, है ना? तो कोई भी कार्य है जीवन में वो हम अकर्म, कर्म और विकर्म से कर सकते हैं, ठीक है? थीके? तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कि रामायण में, ठीक है, रामायण में तीन भाई है, तीनों कर्म अकर्म और विकर्म है, तो जो रावण है वो सारे गलत काम कर रहे हैं पाप, तो क्या हो गया, वो हो गया विकर्म, जो जो आ गया कुंभकर्ण, कुंभकर्ण बोल रहा है मुझे अपने देश के साथ रहना है, मुझे अपने भाई का साथ देना है, अपने परिवार का साथ देना है, तो वो क्या हो गया, कर्म हो गया ना, अच्छा काम कर। लेकिन विभीषण, विभीषण ने क्या बोला, साथ छोड़ो भगवान के साथ जाना है, ठीक है? तो वो क्या हो गया, अकर्म, है ना? तो
इस तरह हम अपने जीवन में देख सकते हैं, तीनों 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 तरीके से हम किसी कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, ओके कमलेश प्रभु जी, धन्यवाद आपका, बने रहिए आप भी। ओके शुद्ध, हाँ ठीक है, भक्त की दिनचर्या क्या होती है, तो डिपेंड करता है वो गृहस्थ आश्रम में है या फिर स्टूडेंट लाइफ में है। भक्त तो किसी भी उसमें हो सकता है ना, तो हर जगह उसकी दिनचर्या अलग होगी। जैसे अगर हम स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं पहले, है ना, स्नान करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मंगल आरती करते हैं भगवान की, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र के जप करते हैं, और उसके बाद फिर हम भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी फल वगैरह है, ठीक है, सुबह। उसके बाद हम अपने जो दैनिक कार्य है वो करते हैं, और उसके बाद शाम को भी हम एक बार आरती करते हैं, ठीक है, और बीच में अगर टाइम मिले तो भगवद गीता वगैरह पढ़ते हैं, है ना, भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दिनचर्या है। जो बीच का समय है वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, जो गृहस्थ है ना वो ऑफिस जा सकता है, जो स्टूडेंट है वो कॉलेज जा सकता है उसमें, और जो ब्रह्मचारी है मंदिर में वो भगवान के अलग अलग कार्य करता है, बर्तन वगैरह धोता है, मंदिर की सफाई करता है ना, तो सबके लिए अलग अलग कार्य है। भगवान की सेवा का क्लियरली समझ में नहीं आया विश्वजीत प्रभु बोल रहे, मतलब क्या काम करें, या काम के बीच में भगवान को कैसे लाएं? काम के बीच में तो आप ला ही नहीं सकते कोई काम कर रहे हैं आप मीटिंग में, तो ऐसा थोड़ा ना हरे कृष्ण महामंत्र जपने लग जाओगे मीटिंग के बीच में। काम के बीच में लाए का मतलब ये है कि आप अपना एम भगवान को बनाए, ठीक है, आप अपने भोग के लिए मत करो कार्य, है ना, आप ये सोच करो कि इस कार्य से मैं भगवान को किस तरह प्रसन्न कर सकता हूँ। यानी आप अगर अच्छे हलवाई है तो आप एक दिन जाइए मंदिर में, बोलिए कि आज मैं सेवा देना चाहता हूँ खाने बनाने की, है ना, या आप मंदिर में चले जाइए किसी दिन, बोलिए आज मैं सफाई करना चाहता हूँ मंदिर की, है ना, या अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप बोलिए कि मैं भगवान के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, सिविल इंजीनियर है तो मैं मंदिर का नक्शा बनाना चाहता हूँ, है ना। तो आपको देखना है, आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह आप अपने कार्य से भगवान को जोड़ सकते हो, ठीक है, यही भगवान की सेवा है। माइंड को कैसे शांत रखे, भगवान ने बता तो दिया, आपको अभ्यास करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जब हम जप करेंगे, है ना, शुरू में तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे शांत होगा आपका माइंड, एकदम नहीं होगा पहले ही दिन, और क्या होगा, हमें भौतिक चीजों से विरक्ति विरक्ति रखनी है, ठीक है, हमें वही कार्य करने हैं जो भगवान के साथ जिनको हम जोड़ पा रहे हैं। तो जैसे कि आप अच्छी चीज सुनिए, है ना, अच्छा आप खाना खाइए, ठीक है, अच्छा बोलिए, है ना, भगवान के बारे में बोलिए, भगवान के बारे में सुनिए, और भगवान को अर्पित करके खाइए आप, ठीक है, इस तरह आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि मन क्या है, इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रिया जब कंट्रोल हो जाएगी तो मन अपने आप बस में आ जाएगा। ओके, पीरियड्स के टाइम पर जब कर सकते हैं, जी माता जी, पीरियड्स के टाइम पर कर सकते हैं, और लेकिन उस टाइम क्या करते हैं ना, उस टाइम जो भगवान को भोग वगैरह नहीं लगाते, ठीक है, और जो भगवान की विग्रह सेवा होती है वो नहीं करते, ठीक है, विग्रह मतलब जैसे मैंने बताया ना, मूर्ति नहीं बोलते उसको, विग्रह बोलते हैं, तो विग्रह से रिलेटेड जितनी भी डायरेक्ट सेवाएं हैं, ठीक है, वो नहीं करते। भगवान का जप आप कर सकते हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम आप कर सकते हैं, ठीक है। नीतीश प्रभु जी बोले, मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें, तो अभी हमने देखा ना, मेडिटेशन मतलब है भगवान का ध्यान करना, भगवान का चिंतन करना, तो स्टार्ट कैसे करना है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र, इसको हम बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन, इसको बोला गया, ठीक है। प्याज लहसुन खाते हो पंकज प्रभु जी, आप कर सकते हो, जब मैंने बोला ना शुरू में आपको स्टार्ट करना है, बस जो भी होंगी बुरी आदतें वो छूट जाएंगी अपने आप, तो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा बुरी आदतें क्या है, जो छूट जाए जब करने के बाद, यानी वो बुरी आदतें। हम जो सोचना चाहते हैं वही बार बार मन में आता है, तो क्या करें प्रभु जी, क्या है ना, हम मन को खाली नहीं रख सकते, ठीक है, उसको हमें कुछ ना कुछ देना है, तो मन का स्वभाव ही है सोचना, ठीक है, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मन बहुत ही चंचल है, अर्जुन ने बोल दिया ना, इसको कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए। तो आप भगवान के अगर बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भगवद गीता वगैरह आप पढ़ते हैं, भगवान के कीर्तन अगर आप सुनते हैं अच्छे अच्छे, तो क्या होगा, फिर आपको मन को दूसरी चीज मिल जाएगी ना, तो भगवान बोलते हैं ना दूसरे अध्याय में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोपेष्टम परम दृष्टा निवर्तते, तो भगवान बोलते हैं जब परम दृष्टा निवर्तते, यानी जब हमारे मन को ऊंचा रस मिल जाता है तो नीचा रस अपने आप छोड़ देगा। तो उदाहरण के लिए अगर मैं किसी को कच्चा चावल दूं तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो खा देगा, और वही मैं उसके पास अगर कच्चा चावल रख दूं और एक पुलाव रख दूं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाल दूं, तो क्या करेगा, कच्चा चावल छोड़ देगा, पुलाव खाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारा मन भी है, जब इसको हायर टेस्ट यानी भक्ति मिल जाती है तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएंगे प्रभु जी।
हाँ, जप माला की जरूरत क्यों है? तो जप माला मैंने बोला ना, ये हमारा भक्ति जो है दिव्य बैंक है, और बैंक में जो हम कीमती चीज होते हैं उसको हम गिन के रखते हैं, ठीक है? तो हम गिन के एकदम जप करते हैं। तो कई लोग बोलेंगे गिन के क्यों जप करते हैं, है ना? तो भगवान का तो अनलिमिटेड करना चाहिए। नहीं, आप अनलिमिटेड कैसे करेंगे? तो गिन के क्या होता है ना, एक डिसिप्लिन बन जाता है कि मुझे आज इतनी माला करनी है, तो वो डिसिप्लिन बना रहता है। वरना किसी दिन क्या होगा, आपको लगेगा कि, जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार, हमें मुझे लगता है कि शायद मैंने माला खत्म करने वाला हूँ, लेकिन पता लगता है कि मैं माला के स्टार्टिंग में ही हूँ अभी, है ना? तो आप अगर बिना गिने करोगे तो आपको लगेगा मैंने बहुत ज्यादा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप गिन के करेंगे तो एक डिसिप्लिन रहेगा, हाँ मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप बढ़ा भी सकते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अगर गिन के करेंगे तो सही रहता है, डिसिप्लिन बना रहता है। और तुलसी माला क्या होता है, तुलसी भक्ति देवी है, ठीक है? तुलसी को जब हम स्पर्श करते हैं तो हमारे हृदय शुद्ध होता है उससे, तो इसीलिए हम जब तुलसी माला पे जप करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है? और कई अपराधों से हम बच जाते हैं। हाँ, तो मेरा तुलसी बैग हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम माला को इधर उधर नहीं फेंकना चाहते हैं ना, तो माला को हम साफ जगह रखते हैं, इसीलिए उसके लिए अलग से बैग लेते हैं, ठीक है? और उसको हम लेके क्या कर सकते हैं, उसको हम इधर उधर नहीं फेंकते ना, तो इसीलिए बैग चाहिए, ठीक है? उसको आप टांग सकते हैं, जैसे आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट में आप माला नहीं ले जा सकते, तो क्या करें, आप बैग कहीं पे टांग दीजिए बाहर, है ना? हाँ, राधा रानी बहुत कृपालु है, तो राधा, ओके, हरे कृष्णा। तो वो तो बात सही है प्रभु जी आपकी, राधा रानी तो है ही बहुत दयालु, लेकिन अगर एक बार किसी तरह नाराज होगी तो उनकी कृपा के बिना भगवान को पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? इसीलिए हम ये बोल रहे हैं, तो बात सही है बिल्कुल। ओके, अब मैं कुछ जिनके हैंड रेस है उनसे पूछता हूँ। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हाँ जी, आप अनम्यूट करिए। ओके, आप अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे? यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है जी। प्रभु जी, एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। जी हाँ, बोलिए, आप अनम्यूट हो गया शायद। गुरु जी, अभी एक भाई ने पूछा था कि अगर कोई फोन पे राधे राधे बोलता है तो हमें राधे राधे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आपने बताया कि हरे कृष्णा से संबोधित करना चाहिए, ठीक है गुरु जी? हमारे आचार्य ने सुन पा बताया रहे हैं आप? जी, ये हमारे आचार्य ने ये विधि बताई, ठीक है? ये हमको रीजन दिया है, तो जो अलग संप्रदाय के हैं वो ठीक है, उनके आचार्य ने, हो सकता है उनको कुछ और बताया हो ना, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते वो गलत है, ठीक है? हरे कृष्णा नेटवर्क।